बायोकेम का क्लास है, ठीक है। हाँ जी, दोनों बायोकेम का रहता है, ठीक है। ओके सर, तो नेक्स्ट टॉपिक इन बायोकेमिस्ट्री इज कीटोन बॉडीज। व्हाट इज मेंट बाय कीटोन बॉडीज एंड देयर फॉर्मेशन? कीटोन बॉडीज, ठीक है जी। कीटोन बॉडीज के बारे में याद रखना है कि एक्चुअली कीटोन बॉडीज आर दी लास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ब्रेन। अगर आप लोगों से कोई ये पूछे कि कीटोन बॉडी का फायदा क्या है और इसका काम क्या है, वैसे तो ब्रेन के लिए जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो ग्लूकोज है, लेकिन अगर ब्रेन को ग्लूकोज ना मिले तो एट द एंड ब्रेन की जो एनर्जी सोर्स है वो क्या बन जाती है? कीटोन बॉडी। यहाँ पे लिखें, दीज आर दी लास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर दी ब्रेन आफ्टर प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन। ओके जी, इट मीन्स कि इफ समवन डू नॉट ईट या डू नॉट टेक मील फॉर लॉन्गर टाइम। देखिए, अगर कोई बंदा अभी से खाना खाए तो उसके बॉडी में मील के साथ साथ ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो एक्सेस ग्लूकोज को हम फिर स्टोर करते हैं किसकी शक्ल में? ग्लाइकोजन की शक्ल में। लेकिन अगर एक बंदा है वो एक दिन दो दिन से खाना ना खाए तो उसका ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाएगी? कम। बॉडी में जो ग्लाइकोजन है उसकी तोड़ से भी हम ब्लड शुगर लेंगे, लेकिन वो भी क्या हो जाएगी? कम। अगर हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाए और उसकी स्टोर भी कम हो जाए तो फिर आखिरी सोर्स जो ब्रेन के लिए बची होगी एनर्जी के लिए वो क्या है? वो कीटोन बॉडी है। तो एग्जाम में आता है कि व्हेन देयर इज नो ब्लड ग्लूकोज लेवल अवेलेबल टू द ब्रेन, व्हाट विल बी द लास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ब्रेन? आंसर विल बी कीटोन बॉडीज। अब कीटोन बॉडीज जो इसकी फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे तो लिखे कीटोजेनेसिस। कीटोजेनेसिस इज अ प्रोसेस वेयर वी कैन मेक कीटोन बॉडीज, ठीक है। यहाँ पे लिखे फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज नोन एज कीटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज इज नोन एज कीटोजेनेसिस, मतलब ये वो मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसके अंदर हम कीटोन बॉडीज बनाते हैं। अब इसमें लिखे इसकी साइट क्या है कि मेजॉरिटी कीटोन बॉडीज यूजुअली कहाँ पे बनती है, तो आंसर इज लीवर। कहाँ पे बनेगी? लीवर में। तो प्लीज रिमेम्बर के लीवर इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। अब बुक में सिर्फ लीवर मेंशन है, लेकिन इसके साथ आप लोग लिखें किडनी। किडनी के अंदर भी जो एपिथेलियल सेल है उसके अंदर कीटोन बॉडीज बन सकती है। किडनी के साथ साथ अनदर एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोसाइट। वो क्या है? एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रो का मतलब है स्टार, साइट मीन सेल। दीज आर स्टार शेप सेल प्रेजेंट इन द ब्रेन, ये ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इस तरह के हम कहते हैं कि द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल्स ऑफ द ब्रेन इज न्यूरॉन। वो क्या है? न्यूरॉन्स है। इस तरह न्यूरॉन का काम ब्रेन की एक्टिविटी को मेंटेन करना है। दूसरी तरह न्यूरॉन के साथ कुछ सेल्स ऐसे होते हैं कि ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उनमें से एक का नाम क्या है? एस्ट्रोसाइट। ओके, ब्लड और ब्रेन के दरमियान क्या होता है? बैरियर, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर 80% जो फॉर्मेशन की रोल है वो कौन प्ले करता है? एस्ट्रोसाइट। अगर एस्ट्रोसाइट के अंदर डैमेज हो जाए तो ब्लड ब्रेन बैरियर भी डैमेज हो जाएगा, तो फिर जो टॉक्सिन है ब्लड से वो किस में जा सकेंगे? ब्रेन के अंदर, और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो देखिए, द सपोर्टिंग सेल ऑफ द ब्रेन व्हिच मेनली हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर इज नोन एज एस्ट्रोसाइट। और एस्ट्रोसाइट के अंदर अल्लाह ने ये मैकेनिज्म रखी है कि अगर ब्रेन को ज्यादा देर तक ग्लूकोज ना मिले तो ये भी क्या बना सकती है? कीटोन बॉडीज बना सकती है। क्लियर है? लेकिन प्लीज रिमेम्बर के 98% कीटोन बॉडीज कहाँ पे बनती है? लीवर में। फिर 1% कीटोन बॉडी कहाँ पे बनती है? किडनी में। और रिमेनिंग 1% दैट इज प्रेजेंट इन द एस्ट्रोसाइट। तो वी कैन से कि 2% कीटोन बॉडी फॉर्मेशन आर एक्स्ट्रा हेपेटिक। क्या होती है? एक्स्ट्रा हेपेटिक, लीवर से बाहर होती है। वो किडनी भी हो सकती है और एस्ट्रोसाइट, लेकिन 98% कीटोन बॉडी लीवर बनाती है। इसलिए फर्स्ट डेट अगर आप लोग पढ़े, लेपन कार्ड बायोकेम पढ़े, तो उसमें सिर्फ मेंशन है कि द मोस्ट कॉमन साइट फॉर
कीटोजेनेसिस दैट इज नोन एज लीवर, ये 98% होता है। फिर इसमें लिखें कि इसकी लोकेशन क्या है, कि अगर हम कीटोन बॉडीज को बनाएंगे लीवर के अंदर तो उसकी लोकेशन क्या है, याद रखें आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये कहाँ पे बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे प्लीज रिमेम्बर फॉर द एग्जाम क्वेश्चन कि अगर हम लीवर सेल के अंदर क्या बनाने जाएंगे, कीटोन बॉडी, तो कीटोन बॉडी बनाने के लिए जितने एंजाइम्स होते हैं वो लीवर सेल के कहाँ पे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। दरवाजा बंद करे, क्लास में आना जाना बंद करे यार, ठीक है ना, क्लास का मतलब क्लास है, ठीक है ना। फिर जो चीज जहन में होती है वो उड़ जाती है, ठीक है ना, ये बहुत मुश्किल होता है कि मैं उधर भी देखता हूँ इधर भी पढ़ाता हूँ तो बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। ओके इधर देखे, एक्चुअली पॉइंट ये याद रखे कि कीटोन बॉडी फॉर्मेशन के जितने भी एंजाइम्स है वो लीवर सेल के कहाँ से होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये क्वेश्चन रिपीटेबल क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने एग्जाम्स में याद रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें लिखे फिजियोलॉजिकल कंडीशन। फिजियोलॉजिकल कंडीशन से मुराद ये है कि कीटोन बॉडी फिजियोलॉजिकली कब बनेगी। फिजियोलॉजिकल कंडीशन का मतलब वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें हमारी बॉडी कौन सी चीज बनाएगी, कीटोन। पहले के प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन, अगर हम बहुत देर से खाना ना खाए तो प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन के अंदर हमारी बॉडी ब्रेन के लिए एज एनर्जी सोर्स क्या बनाएगी, कीटोन बॉडी बनाएगी। मैंने तो आप लोगों को पहले से बताया है अगर हम बाहर से फूड लेते रहे तो उसमें ग्लूकोज होता है एंड दैट ब्लड ग्लूकोज इज अवेलेबल फॉर द ब्रेन एनर्जी। लेकिन अगर एक बंदा 2 दिन से 3 दिन से खाना ना खाए तो उसके बॉडी का जो ब्लड शुगर है वो क्या हो जाता है, कम। फिर ब्रेन को तो कुछ नहीं मिलेगा तो फिर लीवर कोशिश करेगा कि अगर ग्लूकोज नहीं है तो वो क्या बनाएगा, कीटोन बॉडी, एंड दैट इज गुड फॉर द ब्रेन अप टू सम एक्सटेंट। लेकिन अगर कीटोन बॉडी बनते रहेंगे अ टाइम विल कम दैट इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर द बॉडी एज वेल। तो ये इज अ बोनस काम करता है बट नॉट फॉर लॉन्ग टाइम बट फॉर अ शॉर्ट टाइम, ठीक है। तो ये फिजियोलॉजिकल कौन सा कंडीशन है जिसमें कीटोन बॉडी बनेगी, प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन। नेक्स्ट देखिए पैथोलॉजिकल कंडीशन। पैथोलॉजिकल के अंदर ये है कि वो कंडीशन है जिसमें कीटोन बॉडीज बनेगी लेकिन वो ब्लड शुगर को सेंस नहीं करेगी। यहाँ पे तो ब्लड शुगर कम है तो कीटोन बॉडीज बनेगी एंड दैट इज फिजियोलॉजी। कभी कभार ब्लड शुगर के होते हुए भी क्या बनेगी, कीटोन बॉडी, तो वो कौन सा कंडीशन है, पैथोलॉजिकल। तो लेके डायबिटीज टाइप 1, ये किसके अंदर होता है, डायबिटीज मलाइटस टाइप 1, ठीक है, डायबिटीज मलाइटस टाइप 1। अगर हम टाइप 1 डायबिटीज को टाइमली ट्रीट ना करें तो इन पेशेंट के अंदर बाद में क्या बनना शुरू हो जाएगी, कीटोन बॉडी, विच इज कॉल्ड डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। नाम सुना है कि नहीं, विच इज कॉल्ड DKA। डी स्टैंड फॉर डायबिटिक, कीटो मीन कीटोन बॉडी, और कीटोन बॉडी जहां पर भी बनेगी ये पीएच को कम करेगी, इट कैन कॉज एसिडोसिस। द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ DM1 या डायबिटीज मलाइटस टाइप 1 इज कॉल्ड DKA। तो डायबिटीज के अंदर कभी भी ये क्वेश्चन नहीं आता, इसमें ब्लड शुगर पे इन्हिसार नहीं होता, ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है। अब एक पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि जो इंसुलिन हार्मोन है ये कहाँ से आता है, बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास। इंसुलिन का काम हाई शुगर को क्या करना है, काम करना है। लेकिन जो इंसुलिन है इसका एक काम ये है कि ये लिपिड बनाता है, इसको हम कहते हैं लाइपोजेनेसिस। क्या कहते हैं, लाइपोजेनेसिस। इंसुलिन हेल्प इन लाइपोजेनेसिस। टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट के अंदर इंसुलिन होता है कि नहीं, नहीं होता, क्योंकि टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट में बीटा सेल ऑफ पैंक्रियास डिस्ट्रॉय होता है, वो इंसुलिन नहीं बना सकता। तो टाइप 1 डायबिटीज में देयर इज नो इंसुलिन। तो अगर इंसुलिन नहीं है तो लाइपोजेनेसिस होगा, नहीं होगा। जब लाइपोजेनेसिस नहीं होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, लाइपोलाइसिस होगा। क्या होगा, लाइपोलाइसिस। ये बात ध्यान में बिठा रहे कि जब इंसुलिन बॉडी में होता है तो वो लाइपोजेनेसिस करता है, लेकिन जब इंसुलिन नहीं होता तो वो क्या करता है, लाइपोलाइसिस। तो DM1 के अंदर डायबिटीज टाइप 1 के अंदर इंसुलिन एब्सेंस की वजह से क्या होगी, लाइपोलाइसिस। और जब लिपिड की हम लाइसिस करेंगे तो उससे फैटी एसिड बनेगी, क्या बनेगी, फैटी एसिड। और ये फैटी एसिड फिर आखिर में कन्वर्ट होगी एसिटाइल को ए में, इसमें एसिटाइल। एसिटाइल को ए इज अ 2-carbon कंपाउंड। ये कितने कार्बन से बना होते हैं, 2-carbon। इस तरह ग्लूकोज 6-carbon कंपाउंड है, पाइरूविक एसिड 3-carbon कंपाउंड है, इसी तरह एसिटाइल को ए 2-carbon कंपाउंड है। एसिटाइल को ए जब फैटी एसिड से बनेगी तो ये एसिटाइल को ए फिर लीवर में जाकर क्या बनाएगी, कीटोन बॉडी बनाएगी। बात समझ गए क्या नहीं, तो एक्चुअली कीटोन बॉडी को बनाने के लिए शर्त यह है कि लीवर के पास बंडल ऑफ क्या चीज होनी चाहिए, एसिटाइल को ए। ये क्वेश्चन भी आता है
व्हाट इज द प्रीकर्सर फॉर कीटोन बॉडी फॉर्मेशन? आंसर इज एसिटाइल कोए। क्लियर है कि नहीं? ये बात आप लोग को आना चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली देखे हमारे पास जो मेन पॉइंट है, प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन में भी कीटोन बॉडीज बनती है। अब प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन में कीटोन बॉडीज क्यों बनती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर एक बंदा है एक दिन से ना खाए, दो दिन से कुछ ना खाए, तो हमारी बॉडी की जो शुगर लेवल है वो क्या हो जाएगी, कम। अब बॉडी को तो शुगर चाहिए लेकिन हम पैसे ले नहीं रहे, तो हमारी बॉडी कोशिश करेगी जो डिफरेंट प्रोटीन है या डिफरेंट फैट है उसको ब्रेक करके वहां से ग्लूकोज बनाए। देखे अगर हम फैट से या प्रोटीन से क्या बनाए, ग्लूकोज, इसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या कहते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोज इज कार्बोहाइड्रेट, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन फैट और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से कि नॉन कार्बोहाइड्रेट। अगर हम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज बनाए, फॉर एग्जाम्पल फैट से ग्लूकोज बनाए, प्रोटीन से ग्लूकोज बनाए, तो क्या कहेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस। जब हम फैट को तोड़ेंगे फॉर द सेक उससे हम क्या बनाए, ग्लूकोज, तो फैट की तोड़ फोड़ से साइड बाय साइड क्या बनती रहेगी, एंड दिस एसिटाइल को इन द लीवर विल कंबाइन एंड मेक द कीटोन बॉडी। क्लियर है क्या नहीं? तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन का नाम बताए इसमें बॉडी कीटोन बॉडीज बनाएगी। आंसर इज प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन। पैथोलॉजिकल कंडीशन है अनकंट्रोल्ड टाइप 1 डायबिटीज। अगर डायबिटिक पेशेंट के अंदर कीटोन बॉडीज बनेंगे दैट विल डिक्रीज द पीएच व्हिच लीड टू एसिडोसिस, जिसको हम DKA कहते हैं, व्हिच इज डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। इसके नीचे लिखे हैं नेम्स ऑफ कीटोन बॉडीज। ये भी एग्जाम में आता है कि कीटोन बॉडी के नाम कौन कौन से हैं। ठीक है, हम तो पढ़ते हैं कि लीवर के अंदर कीटोन बॉडीज बनती है, लेकिन कीटोन बॉडीज आपसे वाइवा में कोई पूछे या एग्जाम में आ जाए कि कीटोन बॉडी कौन कौन सी है, तो सबसे पहले याद रखे कीटोन बॉडी इज कॉल्ड एसीटो एसिटेट। इसको क्या कहते हैं, एसीटो एसिटेट। ये आप लोगों ने बाय हार्ट याद रखना है। एसीटो एसिटेट इज वन ऑफ द कीटोन बॉडी व्हिच इज मेड इनसाइड द लीवर। ये कहां पे बनता है, लीवर। द सेकंड कीटोन बॉडी इज नोन एज एसीटोन। ये क्या होता है, एसीटोन, इट इज अगेन कीटोन बॉडी। और थर्ड लिखे बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट। ये क्या होता है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट। देखे पूरे क्लास वाले शाबाश, रिमेंबर हाउ मेनी कीटोन बॉडीज विल मेड बाय द लीवर, 3। हाँ जी, फर्स्ट कीटोन बॉडी इज कॉल्ड, वेरी गुड, एसीटो एसिटेट, आसान है, एसीटो एसिटेट। सेकंड कीटोन बॉडी इज एसीटोन एंड थर्ड इज बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट। क्लियर है? इन तीनों को कंबाइंड ही हम क्या कहते हैं, कीटोन बॉडीज कहते हैं। अब लीवर जब इन तीनों को बनाता है उनमें जो सबसे पहले बनेगी उसका नाम है एसीटो एसिटेट। और ये नफा स्टेट में लिखा है, नेल लिपन कार्ड बायकेव में लिखा है कि प्राइमरी कीटोन क्या है, सेकेंडरी कीटोन क्या है, जिसमें नहीं लिखा है। लेकिन याद रखे ऐसा कीटोन बॉडी जो लीवर पहले बनाए उसको कहते हैं प्राइमरी कीटोन बॉडी। क्या कहेंगे, प्राइमरी। तो प्राइमरी कीटोन बॉडी कौन सी है, एसीटो एसिटेट। फिर इस एसीटो एसिटेट से हम डिराइव करते हैं किस चीज को, एसीटोन को और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट। तो ऐसे कीटोन बॉडी जो एक अदर कीटोन बॉडी से हम डिराइव करें उसका नाम क्या होगा, सेकेंडरी कीटोन बॉडी। तो देखें तीनों में से कितने प्राइमरी कीटोन है, 1, दैट इज एसीटो एसिटेट। और इससे जो आगे हम दो बनाएंगे वो क्या होंगे, सेकेंडरी कीटोन बॉडी। तो सेकेंडरी कीटोन बॉडी में एसीटोन भी है और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट भी है। एक और क्वेश्चन जो कभी मिस नहीं होता एग्जाम के अंदर वो ये है कि हमने तो यहाँ पे लिखा है कि कितने कीटोन बॉडीज है, 3। इन तीन में से सबसे हल्की लाइटेस्ट कीटोन बॉडी इज एसीटोन। ये क्या है, एसीटोन है। ये जब लीवर बनाती है और ये ब्लड में आती है इससे हल्की है, ओबारे की तरह ये नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी और ये लंग्स में आकर ब्रेथ के जरिए हम बाहर निकालते हैं और ये हमारी ब्रीदिंग को एक किस्म की ऑर्डर स्मेल देती है, व्हिच इज कॉल्ड फ्रूटी ऑर्डर। इसको क्या कहते हैं, फ्रूटी ऑर्डर। ये भी एग्जाम में आता है कि DKA पेशेंट के अंदर कौन सी ऑर्डर स्मेल होती है, फ्रूटी ऑर्डर स्मेल। And that is due to excess exhalation of which ketone body? Acetone. Because it's the lightest ketone body. Clear है? ये question भी जरूर आता है। तो primary ketone 1 है, secondary ketone 2 है। इनमें से कौन सा ketone है जो सबसे lightest है? Acetone. कौन सा ketone body है जो हम lab के अंदर या urine में या blood में check करते हैं? Beta hydroxy butyrate. ये clinically measured किया जाता है for the diagnosis of ketone body. Clear है? ये जनाब तीनों पॉइंट आप लोगों ने याद करने हैं। अब लेके मैकेनिज्म, इसके मैकेनिज्म क्या है और ये हमारे पास बनती कैसे है।
मैं फिर रिपीट करता हूँ, एग्जाम में कभी भी नहीं आएगा। हाँ जी, बीटा हाइड्रोक्सीग्लुटामेट, ये हम ब्लड में भी चेक, नहीं ब्लड में, यूरिन में नहीं, ब्लड में चेक करते हैं। एक्चुअली जो बीटा हाइड्रोक्सीग्लुटामेट है इसका साइज बड़ा होता है, कैन नॉट क्रॉस ग्लोमेरुलाई। ये ग्लोमेरुलाई यूरिन के अंदर कीटोन बॉडी नॉर्मली नहीं आते, तब चेक करते हैं कीटोनूरिया जब देयर इज डैमेज टू द किडनी। क्लियर है? इसका जो मेजरमेंट है क्लिनिकली वो हम ब्लड में करते हैं। और एसिटो एसिडेट ये इसलिए चेक नहीं करते क्योंकि आगे एसिटोन भी बनाना है बीटा हाइड्रोक्सीग्लुटामेट, तो अगर हम उन दोनों को चेक करें तो हमें एसिटो एसिडेट स्टेटस भी बताता है। ठीक है, अब लिखे मैकेनिज्म, इसकी मैकेनिज्म क्या है, मैं फिर रिपीट करने लगा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट फेल क्यों होते हैं कि वो मैकेनिज्म को रटने लगाते हैं। मैकेनिज्म को रटना नहीं है, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में सिर्फ वो हाईलाइट करना है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, पहले तो ये बताए, अभी मैंने क्या जिक्र किया था, कीटोन बॉडीज बनाने के लिए लीवर के पास बंडल्स ऑफ एसिटाइल को ए चाहिए, ये शर्त है कि नहीं? तो यहाँ पे कीटोन बॉडीज किसके लिए, लीवर में बहुत सारे क्या होने चाहिए, एसिटाइल को ए। अब यहाँ पे ये लीवर के साथ बहुत सारे एसिटाइल को ए है, ये थाउजेंड एंड लैक्स में होती है एसिटाइल को ए। लेकिन जब एसिटाइल को ए, प्लीज द फोकस, एसिटाइल को ए जब लीवर में आती है तो दो दो आपस में मिलती है, कितनी कितनी, दो दो। अब जब देखें ये एसिटाइल को ए आपस में मिलेगी इस एसिटाइल को ए के साथ, बात समझ गए कि नहीं? और जब दो एसिटाइल, एवरी एसिटाइल को ए इज हाउ मेनी कार्बन, टू कार्बन कंपाउंड। अभी मैंने बताया है ना कि हर एसिटाइल को ए कितने कार्बन से बनाए, दो। तो जब लीवर के अंदर ये जो मैकेनिज्म है ये कहाँ पे हो रहे हैं, लीवर, लीवर के अंदर जब दो एसिटाइल को ए आपस में मिल जाती है तो उससे जो कंपाउंड बनता है इसका नाम है एसिटो एसिटाइल को ए। क्या बनेगी, एसिटो एसिटाइल को ए। अब देखे मैं बहुत आसान, इसको आसान बनाते, आसान कैसे बनाएंगे, प्लीज देखे, इस एसिटाइल से जो ये एसिटाइल कन्वर्ट होगा एसिटो में, इसमें एसिटो, इसका कौन सा पार्ट रह गया, को ए, और ये क्या है एसिटाइल, ये पूरा का पूरा इधर आ जाएगा, तो ये एसिटाइल को ए इधर आ गया और इसका एसिटाइल किसमें कन्वर्ट हो गया, एसिटो, और इसका क्या चीज रह गया, ये को ए बाहर निकल जाएगा, ये को ए बाहर पफ्ड हो जाएगा, निकल जाएगा, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एसिटो एसिटाइल को ए। बस समझ गए कि नहीं? तो एसिटाइल कन्वर्ट इनटू एसिटो, को ए इज आउट ऑफ द रिएक्शन, ये रिएक्शन से बाहर जाएगी, और जब ये एसिटाइल एसिटो पे कन्वर्ट होगा तो इससे ये एसिटाइल को ए, जब दो एसिटाइल को ए आपस में मिलते हैं तो उससे क्या प्रोडक्ट बनेगा, एसिटो एसिटाइल को ए। क्लियर है कि नहीं? अब ये जो एसिटो एसिटाइल को ए है ये कितने कार्बन होगा, फोर, क्योंकि टू कार्बन एंड टू कार्बन मैक टूगेदर लीड टू फोर कार्बन कंपाउंड। बात समझ गए क्या नहीं? अब ये दोनों बन गए, ठीक है, जब एसिटो एसिटाइल को ए बनेगा ये लीवर के अंदर होगा, इन दोनों एसिटो एसिटाइल को ए को मिलाने के लिए एंजाइम का होना जरूरी है कि नहीं? यहाँ पे लीवर के साथ जो एंजाइम है जो कितने एसिटाइल को ए को मिलेगा, दो को, उस एंजाइम का नाम है थायोलेज। तो क्या कहते हैं, थायोलेज, याद रखें, थायोलेज इज द एंजाइम व्हिच टुगेदर टू एसिटाइल को ए एंड हेल्प टू फॉर्म एसिटो एसिटाइल को ए। फिर से कह रहा हूँ, ना एग्जाम में आएगा कि ड्रा द डायग्राम, ना कोई पूछेगा, लेकिन आएगा क्या चीज वो हम अभी एमसीक्यू के अंदर, जिस तरह यूरिया साइकिल के आखिर एमसीक्यूज है इस तरह इसके भी एमसीक्यूज है, लेकिन एमसीक्यूज तब इंसान को आते हैं जब साइकिल से समझ आ जाए। तो साइकिल को समझना है लेकिन उसको बाई हार्ट रटे नहीं लगाना, क्लियर है? लेकिन कल को बुक उठाकर देखोगे एटलीस्ट पता चलेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है? अब कुछ बुक्स वाले इस एंजाइम को कहते हैं हेपेटिक थायोलेज। क्या कहते हैं, हेपेटिक, क्योंकि एंजाइम कहाँ पे है, लीवर में है, तो इसका दूसरा नाम हेपेटिक थायोलेज भी है। अब यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बन गया, एसिटो एसिटाइल। अब इस एसिटो एसिटाइल को ए के साथ लीवर में एक और क्या बन जाता, क्या मिल जाता है, एसिटाइल को ए। बात समझ गए क्या नहीं? मैंने क्या बताया था, कीटोन बॉडी बनाने के लिए बहुत सारे क्या चाहिए, एसिटाइल को ए, बंडल। मैं एक वर्ड बताता हूँ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ समवन आस्क्स यू हाउ वी कैन मेक कीटोन बॉडी, अगर किसी ने ये सेंटेंस बोल दिया वो मास्टर कहलाएगा। वो क्या सेंटेंस है, आंसर विल बी के फॉर कीटोन बॉडी सिंथेसिस वी नीड कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल को ए। हमें क्या चाहिए, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब कि हर स्टेप में कहीं ना कहीं पे क्या चीज ऐड करना चाहिए, एसिटाइल को ए। क्लियर है कि नहीं? एसिटाइल को ए का आना और रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल होना, इसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन।
कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल को ए इन द लिवर हेल्प टू विच बॉडी फॉर्मेशन, कीटोन बॉडी फॉर्मेशन। तो पहले दो एसिटाइल को ए मिले थे तो क्या बनाया, एसिटो एसिटाइल को ए, फिर इसके साथ एक और एसिटाइल को ए मिलेगी, इन दोनों की रिएक्शन से एक और कंपाउंड बनेगा कि नहीं, इन दोनों की रिएक्शन से जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम है हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटराइल को ए। उसका नाम क्या है, हाइड्रोक्सी, इधर देखें, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटराइल को ए मिथाइल, ठीक है, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटराइल को ए। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटराइल को ए। अब देखें पॉइंट टू बी रिमेम्बर इज के इसका सिंपल नाम है एच स्टैंड फॉर हाइड्रोक्सी, एम स्टैंड फॉर मिथाइल, जी स्टैंड फॉर ग्लूटराइल, इसको लोग कहते हैं एच एम जी को ए। इसको क्या कहते हैं, एच एम जी को ए, एच एम जी को ए स्टैंड फॉर हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटराइल को ए। अब इन दोनों को यहाँ पे मिलाने के लिए, अब यहाँ पे हाइड्रोक्सी मिथाइल को ए बन गया कि नहीं, तो यहाँ पे जो एंजाइम है इधर देखें उसका नाम है हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटराइल को ए, हाँ जी, सिंथेस, क्या होगा, को ए सिंथेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस समझ गए कि नहीं। अगर आप लोग लिपिड वाला लेक्चर याद रखें उसमें एच एम जी को ए रिडक्टेज था, याद है, स्टेटिन ड्रग याद है कि नहीं, एटोरवास्टेटिन, सिमवास्टेटिन, वो क्या ब्लॉक कर देते हैं, एच एम जी को ए रिडक्टेज। और मैंने बताया था एक होता है एच एम जी को ए सिंथेज, और ये भी बताया था कि कीटोन बॉडी बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट याद रखें, दो एसिटाइल को ए को मिलाना किसका काम है, थायोलेज, और वो एसिटो एसिटाइल को ए बनाएगा, फिर एसिटो एसिटाइल को ए के साथ एक और क्या बनाना, एसिटाइल को ए क्या बनेगा, एच एम जी को ए, और एच एम जी को ए को बनाने वाला एंजाइम एच एम जी को ए सिंथेज है। अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है, ये कितने कार्बन था, चार, और ये दो, तो एच एम जी को ए इज अ सिक्स कार्बन कंपाउंड, ये कितना कार्बन है, सिक्स कार्बन कंपाउंड है, क्लियर है। अब यहाँ पे पॉइंट टू बी रिमेम्बर, जो एच एम जी को ए है इस पर एक और एंजाइम काम करता है विच इज नोन एज लाइएज, इस एंजाइम का नाम क्या है, लाइएज, ठीक है, दिस इसका पूरा नाम है एच एम जी को ए लाइएज, लेकिन सिंपल इज लाइएज। और ये लाइएज एंजाइम किसको, एच एम जी को ए को कन्वर्ट करेगा एसीटो एसिटेट में, किसमें कन्वर्ट करेगा, एसीटो एसिटेट में कन्वर्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात आप लोगों ने याद रखना है कि जब ये एसीटो एसिटेट में कन्वर्ट करेगा यहाँ से एसिटाइल को ए को लीक करेगा, किसको लीक करेगा, एसिटाइल, एच एम जी को ए इस पे लाइएज काम करेगा, और यहाँ पे जो एसिटाइल को एड हुआ था वो दोबारा क्या हो जाएगा, रिलीज, और यही एसिटाइल को ए दोबारा जाकर रिएक्शन में हिस्सा लेगा कि नहीं। ये कितने कार्बन का था, टू कार्बन, ये कितने का है, सिक्स, इससे हमने कितने कार्बन निकाले, टू, एसीटो एसिटेट इज फोर कार्बन कंपाउंड, क्लियर है कि नहीं, ये फोर कार्बन, और एसीटो एसिटेट इज वन ऑफ द कीटोन बॉडी, ये क्या है, कीटोन बॉडी है कि नहीं, कीटोन बॉडी के कितने नाम है, थ्री, उनमें से पहले का नाम, अब ये एसीटो एसिटेट बन गया कि नहीं, तो ऐसा कीटोन बॉडी जो रिएक्शन के अंदर सबसे पहले बन जाए उसका नाम है प्राइमरी कीटोन बॉडी, इसका नाम क्या है, प्राइमरी कीटोन बॉडी। फिर सिर्फ इतना याद रखें इस एसीटो एसिटेट से आगे जाकर क्या बन सकता है, एसीटोन, और इस एसीटो एसिटेट से आगे जाकर क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। तो ये जो लास्ट वाले दो कीटोन बॉडी है ये तो हमने प्राइमरी से बनाया है, इसलिए इन दोनों का नाम सेकेंडरी कीटोन बॉडी है, बस समझ गए कि नहीं। तो प्राइमरी कीटोन इज एसीटो एसिटेट बट सेकेंडरी कीटोन इज एसीटोन एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। अब यहाँ पे पॉइंट याद रखें कि अगर हम एसीटो एसिटेट को इसमें कन्वर्ट करें एसीटोन में, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होता है वो डी कार्बोक्सिलेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है, ठीक है, और यहाँ पे डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, लेकिन वो क्वेश्चन में नहीं आते हैं। सिर्फ आप लोगों ने सिंपल याद रखना है कि इनिशियली जो कीटोन बॉडी बनेगी एसीटो एसिटेट है, और ये फर्दर अपने आप से बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट भी बनाएगी और एसीटोन भी बनाएगी, बात समझ गए कि नहीं। यही तीनों कीटोन बॉडी ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगी और जाकर एनर्जी सोर्स बन जाएगी, किस चीज के लिए, ब्रेन के लिए, जिसको कई दिनों से क्या नहीं मिल रहा, शुगर नहीं मिल रहा, ग्लूकोज नहीं मिल रहा। अब क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे दो तीन चीजें याद रखनी है,
वो क्या है, ये क्यूटोजेनेसिस, समझ आ गया कि नहीं? अब क्वेश्चन आप लोग एमसीक्यू नंबर वन लिखें, एमसीक्यू लिखें, प्रीकर्सर फॉर प्रोटोजेनेसिस कीटोन बॉडी सिंथेसिस। हाँ जी, एक्सीलेंट, एसिटाइल को ए। अगर हम कीटोन बॉडी को बनाएंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एसिटाइल को ए, नंबर वन पॉइंट। नंबर टू एमसीक्यू लेके, हर रिएक्शन का एक रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है क्या नहीं? रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ कीटोजेनेसिस, व्हाट इज कीटोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडी। अब यहाँ पे पॉइंट याद रखें, याद रखना है कि जहन ये कहता है कि ये वाला एंजाइम है, बस समझ गए। रेट लिमिटिंग एंजाइम का मतलब ये नहीं है कि वो होगा जो फर्स्ट इन्वॉल्व होगा, ये बात समझ गए कि नहीं? रेट लिमिटिंग एंजाइम का मतलब ये है कि ऐसा एंजाइम जिसमें ये सेंस हो कि मैंने कब उस रिएक्शन को तेज करना है और कब को स्लो करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि पहला नहीं होगा तो सारा नहीं होगा, मतलब रेट का मतलब स्पीड को कंट्रोल करने वाला एंजाइम इस पूरे प्रोसेस के अंदर एच एम जी को ए सिंथेस है। ठीक है, ये एमसीक्यू आता है जहाँ पे लिखे एच एम जी को ए सिंथेस, दैट इज कॉल्ड एच एम जी को ए सिंथेस। ओके, नेक्स्ट लिखे कीटोन बॉडी बिकम द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ब्रेन इन स्टार्वेशन आफ्टर हाउ मेनी डेज। कहते हैं कि कितने दिन तक अगर बंदा बाहर से कुछ ना ले तो उसकी बॉडी की सारी शुगर खत्म होकर फिर उसकी ब्रेन को एज एनर्जी क्या मिलनी चाहिए? कीटोन बॉडी। तो आंसर लेके 3 डेज, कितने दिन के बाद? 3 डेज के बाद। ये भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आता है, 3 डेज। कहते हैं कि अगर 3 दिन तक कोई बंदा खाना ना खाए और उसको बाहर से शुगर ना मिले तो फिर उसकी बॉडी का जो ब्लड शुगर है वो क्या हो जाएगा? कम। तो 3 दिन के बाद लीवर अगर शुगर नहीं है तो कौन सी चीज़ बनाना शुरू करेगी? कीटोन बॉडी। और ये कीटोन बॉडी फिर ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके एनर्जी देगी किस समझ गए कि नहीं? आंसर इज हाउ मेनी डेज? 3। हाउ मेनी कीटोन बॉडी आर देयर? 3। तो 3 कीटोन बॉडी बिकम द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर 3 डेज, 3 डेज के बाद। ठीक है भाई, आप लोग चाहे ये सिर्फ जांच करें या याद ना करें, नो प्रॉब्लम, बट ये 3 पॉइंट कभी ना भूलें। मतलब कीटोन बॉडी के जो एमसीक्यूज है वो ये 3 है। और दूसरी बात, कीटोन बॉडी बनाने के लिए ये सारे के सारे जितने भी एंजाइम पड़े हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। कहाँ से होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए अगर लीवर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में खराबी आ जाए तो इसमें फिर कीटोन बॉडी की फॉर्मेशन सही तरीके से नहीं होगी। क्लियर है? अब इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक देखें, मेटाबोलिज्म साइट के वो कौन कौन सी है। ठीक है, हाँ, कीटो डाइट सेम है। ठीक है ना, यही कीटोन बॉडी है, मतलब इसमें शुगर नहीं होता तो उसके कीटो डाइट लोग इसके लेते हैं कि उसका वेट ना बढ़े, उसको ब्लड शुगर ना मिले और वो उसे डाइट दे रहे जिसमें कीटोन बॉडी जैसा प्रॉब्लम, ताकि उसका ब्रेन भी चलता रहे और उसका एक्सेस जो ग्लूकोज लेवल है वो बॉडी की वेट को गेन करने में हेल्प ना कर सके। ठीक है, अगर ब्लड शुगर किसी ने कंट्रोल करना है या ब्लड शुगर अगर आप बॉडी को नहीं दे रहे, हम कहते हैं यार स्वीट ना खाए, उससे इंसान जो वेट है वो बढ़ जाती है। और ये जाहिर बात है कि जब शुगर ज़्यादा हो जाए ये फैट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम फॉर एग्जाम्पल डाइटिंग का मतलब क्या है, देखिए डाइटिंग में लोग बहुत ज़्यादा टाइम तक खाना नहीं खाते, अगर खाते भी है तो या तो एक एप्पल लेते हैं या एक मतलब कोई भी एक फ्रूट लेता है, लेकिन वो हैवी डाइट हो नहीं लेते डाइटिंग में। हम कहते हैं कि यार डाइटिंग करें ताकि आपकी बॉडी वेट क्या हो जाए? कम। देखिए बॉडी वेट कम करना ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन बॉडी फैट को कम करना ये अच्छी बात है। फैट और वेट में फ़र्क है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा स्वीट खाते हैं तो उसमें शुगर लेवल क्या होता है? ज़्यादा। वो एक्सेस शुगर क्या होता है? वो बॉडी के अंदर जाकर स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन की शक्ल में। किसकी शक्ल में? ग्लाइकोजन, स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोजन।
फिर एक्सेस ग्लूकोज जाकर फैट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं और जिस सेल के अंदर फैट स्टोर होते हैं उसको एडिपोज सेल कहते हैं। कौन से? एडिपोज सेल। अब एक बंदा है, उसने खाना बाहर से नहीं लिया, उससे 8 घंटे गुजर गए, तो आप लोगों को पता होगा कि जिसने खाना नहीं खाया होता वो वैसे डेजी होता है, लेजीनेस डेजीनेस में जाता है, क्योंकि उसका ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाता है कम, वो ब्रेन को नहीं मिलता। फिर क्या होता है कि जब बॉडी के पास ग्लूकोज कम हो जाए तो फिर वो कहाँ से लेंगे? ग्लाइकोजन से लेंगे, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस से लेंगे। जब ग्लाइकोजन तोड़ फोड़ होगी और ब्लड शुगर मिलती रहेगी, 2-3 घंटे इस पर गुजर जाएंगे। जब ग्लाइकोजन भी हम सारे के सारे तोड़ दें और फिर भी ब्लड शुगर बाहर से हमें नहीं मिल रहा, तो फिर बॉडी क्या करेगी? प्रोटीन को तोड़ेगी। किसको? प्रोटीन, और इससे शुगर बनाएगी। अगर डिफरेंट प्रोटीन को भी हम तोड़े और उससे भी शुगर लेकर कंप्लीट ना हो जाए तो फिर फैट्स को तोड़ना शुरू करेंगे। किसको? फैट। तो जब फैट्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ेंगे तो उससे ओवरऑल जो फैट लेवल है बॉडी के ऊपर, चर्बी का लेवल है, वो क्या हो जाता है? कम, और इससे इंसान की जो बॉडी शेप है वो भी चेंज हो जाती है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स से इंसान महरूम हो जाता है, क्योंकि जो डाइट है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है एंड दैट इज एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर द डाइट। मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, अ फीमेल आई विजिट टू मी बिफोर वीक, ठीक है, एक हफ्ता पहले लास्ट तरफ देखो, एक फीमेल आ गई, ठीक है, वो कह रही थी कि जनाब उसका हेडेक होता है, उसको कंटिन्यूस हेडेक था, ठीक है, और साथ में जनाब वो ये कह रही थी कि वो जब भी उठ के कोई झाड़ू वगैरह करते, ठीक है, शी इज ओनली 29 ईयर ओल्ड, ठीक है, और मैरिड है, उसके 2 बच्चे हैं, ठीक है, वो मुझे ये कह रही थी कि जब वो झाड़ू वगैरह लगाते तो इस तरह उससे वर्टिगो हुआ, ठीक है, और डिजीनेस में। अब उसकी हिस्ट्री जब मैंने थोड़ी सी ढूंढी तो उसका जो हस्बैंड है वो हेल्थ कॉन्शियस है, वो हस्बैंड के जहन में ये है कि ये बस डाइटिंग करें और ये मजीद स्लिम हो जाए, बस समझ गए कि नहीं। अब देखिए हर एक इंसान की डिमांड है ना कि वो स्लिम हो जाए, अब वजह क्या है, उसने किस डाइट पर रखा था? प्रीवियस 3 से 4 महीने से वो सिर्फ बॉयल्ड राइस ले रही थी और इसके ऊपर कुछ भी नहीं खा रही थी, क्लियर है ना, वो मीट ले रही थी ना वो चिकन ले रही थी, वो बेचारी तो उसके सामने कुछ बोल भी नहीं सकती थी, ठीक है। तो जब मैंने उसके हस्बैंड को समझाया कि आप ये गलत कर रहे हैं और उसने फिर उसको डाइट स्टार्ट करवाया, लेकिन देखिए डाइट लेना अच्छी बात है लेकिन डाइट को टाइम पे लेना चाहिए। अगर एक बंदा है वो 7 बजे खाए और इसके बाद वो आधा घंटा घंटा वॉक करे, दैट इज़ वेरी गुड, लेकिन जो बंदा 12 बजे मूवी बंद करे और 1 बजे खा कर 1:30 बजे सो जाए, ये वो डेंजरस चीज़ है। तो खाना खाने से इंसान क्या होता है ये मोटा वगैरह नहीं होता, लेकिन गलत टाइम पे खाने से बहुत सारी मसाइल हो सकती है, ठीक है। मैंने उसको काउंसल किया, उसने भी खाना शुरू किया, अब वो कह रही है कि मैंने जब खाना शुरू किया जिस तरह मुझ पर बस खुशी आ गई, क्लियर है कि नहीं। द रीजन वाज कि बॉयल्ड राइस इज वेरी वेरी डिफिशेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। चाइनीज बॉयल्ड राइस देते हैं कि नहीं, लेकिन वो बॉयल्ड राइस के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, जिसमें वो वेजिटेबल भी होता है, राइस भी होता है, उसमें वो फिश वगैरह भी डालते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसकी, इसको कहते हैं बैलेंस डाइट। लेकिन अगर आप बॉयल्ड राइस ही खाते रहे, वो मुझे ये भी कह रहे थे कि अगर वो कहीं पे पिकनिक पे जा रहे होते फैमिली मेम्बर्स के साथ तो सारे अपना खाना और लेके जाते, वो टिफिन में अपने बॉयल्ड राइस लेके जाते थे। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगाएं कि प्रैक्टिकल बात हुई और ये हमारे अपनों में, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने कहा आपने बताया, कहते मैं क्या बता दूँ, क्लियर है कि नहीं। तो एक्चुअली ये चीज़ें होती रहती हैं, अपनी डाइट पे ज़रूर फोकस करें, ठीक है, और बैलेंस डाइट किया करें। इसमें देखें अब लिखे मेटाबॉलिक साइट, मेटाबॉलिज्म साइट में लेके मुझे पता है, ओके, मेटाबॉलिज्म साइट मतलब कुछ प्रोसेसेस ऐसी है कि वो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट एरिया है माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखें प्लीज रिमेम्बर फ्यू ऑफ देम, जो जो प्रोसेसेस हम बायोकेम में पढ़ चुके हैं या पढ़ने वाले हैं, और वो कहाँ पे होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर फर्स्ट इज कीटोजेनेसिस, इसमें क्या है? कीटोजेनेसिस। अभी जो कीटोन बॉडी फॉर्मेशन हमने पढ़ी है ये लीवर सेल के अंदर कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। वी विल डिस्कस क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल भी जब हम पढ़ेंगे तो क्रेब्स साइकिल के जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सेल के कहाँ पे होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। अब आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, उसमें क्रेब्स साइकिल भी नहीं होता, क्रेब्स साइकिल के लिए सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का होना जरूरी है, ठीक है।
नंबर टू ईटी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसके एंजाइम भी माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, सो दैट इज आल्सो शुड बी अकरिंग इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये आप लोगों ने तीन चीजें याद रखनी है कि इसमें से एग्जाम में आता है कि ये प्रोसेस कहाँ पे होती है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल एंड इट कंटेन डिफरेंट एंजाइम। लेकिन कुछ रिएक्शन या प्रोसेस ऐसी होती है मेटाबोलिक जो सारे के सारे कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म, उसमें लेके ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड टू टू मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूविक एसिड, ये साइटोप्लाज्म होती है। ग्लाइकोलिसिस हम पढ़ेंगे डिटेल से, लेकिन ग्लाइकोलिसिस के जितने भी एंजाइम हैं ये सारे के सारे कहाँ पे होते हैं, साइटोप्लाज्म में। क्लियर है? एक्चुअली ग्लाइकोलिसिस में हम ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं और फिर ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या स्टार्ट होता है, क्रेब्स साइकिल, और फिर क्या होता है। तो कहने का मतलब ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हम साइटोप्लाज्म में पढ़ेंगे सेल में, फिर इसके जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्रेब्स साइकिल के लिए कहाँ पे जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे। क्लियर है? तो आरबीसी के अंदर क्रेब्स साइकिल होता है कि नहीं, नहीं होता, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन आरबीसी के अंदर ग्लाइकोलिसिस जरूर होती है क्योंकि इट कंटेन साइटोप्लाज्म। एवरी सेल इन द ह्यूमन बॉडी कंटेन साइटोप्लाज्म, तो ऐसा सेल नहीं है बॉडी के अंदर जिसमें क्या नहीं होता, ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस हर सेल में होता है बिकॉज एवरी सेल कंटेन साइटोप्लाज्म। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कोलेस्ट्रोल सिंथेसिस। कोलेस्ट्रोल सिंथेसिस ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कोलेस्ट्रोल सिंथेसिस ये भी कहां पे होता है, आंसर इज साइटोप्लाज्म, ये भी साइटोप्लाज्म में होता है कोलेस्ट्रोल सिंथेसिस। नेक्स्ट देखिए कोलेस्ट्रोल सिंथेसिस के साथ साथ स्टीरॉयड सिंथेसिस, ऑल कोलेस्ट्रोल और स्टीरॉयड, स्टीरॉयड कोलेस्ट्रोल एक ही चीज है, यहाँ पे लिखे स्टीरॉयड सिंथेसिस। हाँ जी, और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कोलेस्ट्रोल या स्टीरॉयड इज फैटी एसिड, तो फैटी एसिड सिंथेसिस भी कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म। इसका मतलब ये है कि फैटी एसिड सिंथेसिस, स्टीरॉयड सिंथेसिस, कोलेस्ट्रोल सिंथेसिस, दी ऑल रिएक्शंस आर अकरिंग इनसाइड द साइटोप्लाज्म। और आखिर में लिखे एक लास्ट वन दैट इज कॉल्ड प्रोटीन सिंथेसिस। कौन सी, प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर है? यहाँ पे लिखे प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। साइटोप्लाज्म के अंदर एक ऑर्गेनेल है जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके दो टाइप्स होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक एंड रफ एंडोप्लाज्मिक। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर साइटोप्लाज्म में क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसिस, और ये राइबोसोम में भी होती है। लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्टीरॉयड सिंथेसिस होता है। तो स्टीरॉयड सिंथेसिस इनसाइड द साइटोप्लाज्म अकरिंग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस अकरिंग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है? अब आखिर में लेके बोथ, बोथ का मतलब कुछ रिएक्शन ऐसी है जिसका कुछ पार्ट साइटोप्लाज्म में होगा और कुछ पार्ट कहाँ पे होगा, हाँ जी माइटोकॉन्ड्रिया में। उसमें लेके बोथ क्या है, बोथ में, बोथ इसका मतलब दोज रिएक्शन इन विच सम स्टेप अकरिंग माइटोकॉन्ड्रिया बट सम स्टेप विल अकरिंग इन द साइटोप्लाज्म। इसमें आप लोग सबसे पहले के हीम सिंथेसिस, क्या था है, हीम सिंथेसिस। ये पॉइंट, हीम किससे बनाए, आयरन प्लस प्रोटोफोरपायरिन, प्रोटोफोरपायरिन बनाना ये साइटोप्लाज्म के ऊपर, लेकिन आयरन कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो प्रोटोफोरपायरिन और आयरन को जब तक हम नहीं मिलाएंगे तो हीम नहीं बनेगी। तो हीम के कुछ स्टेप, हीम बनाने के लिए कुछ स्टेप साइटोप्लाज्म में होते हैं और कुछ कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। अभी हमने आज क्या पढ़ा था, यूरिया साइकिल पढ़ाया था कि नहीं, तो यूरिया साइकिल का पहला स्टेप कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, और इसके बाद साइटोप्लाज्म। तो यूरिया साइकिल भी कुछ स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ साइटोप्लाज्म, और आखिर में लेके ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज फ्रॉम प्रोटीन आर कार्बोहाइड्रेट, फ्रॉम प्रोटीन आर फैट, सो दैट इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, अब असल में देखे आप ऐसा इमेजिन करें कि ये हाथ जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये हाथ साइटोप्लाज्म। हम इन दोनों ने अगर आपस में हग करना है, मिलना है, ये दो बन जाएंगे ना। अब ये अकेला है, ये भी अकेला है, जब आपस में हग करेंगे तो मिलेंगे, तो कितने बन जाएंगे, दो। तो बोथ इकट्ठे होंगे ना, तो इकट्ठे ये तब होंगे जब ये दोनों हाथ आपस में क्या करें, हग करें, हग मिल जाए, और हग के अंदर हीम सिंथेसिस, यूरिया साइकिल एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्लियर है कि नहीं? तो हग इज द नमोनिक हाउ टू रिमेम्बर दीज थ्री मैकेनिज्म। ठीक है, तो इमेजिन करें कि वन पर्सन
हग ईच अदर दे विल बी एक्ट एज अ बोन, मतलब ये दोनों आपस में मिलेंगे और हग पॉइंट के अंदर ये तीनों प्रोसेस है. तो एच फॉर हीम सिंथेसिस, यू फॉर यूरिया साइकिल एंड जी फॉर ग्लूकोजेनेसिस. क्लियर है? एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आते हैं कि ग्लाइकोलिसिस कहां पे होता है, क्रेब्स साइकिल कहां पे होता है, यूरिया साइकिल कहां पे होता है. दीज आर अकर्ड मेटाबॉलिज्म साइट. इनमें से हमने ये भी पढ़ लिया है, ठीक है, कीटोजेनेसिस. हमने ये कोलेस्ट्रोल सिंथेसिस ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये मेडिसिन में आता है. ये स्टीरॉयड जो है ये सेम है इसके साथ, ठीक है. प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे, यूरिया साइकिल भी पढ़ा है. हीम सिंथेसिस हमने हेमाटोलॉजी के अंदर पढ़ा है, ठीक है. अब यहाँ पे जो मेन इसमें आता है एक ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड एक्रान. क्योंकि इन तीनों प्रोसेस को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं और जिसका एंड प्रोडक्ट एटीपी बना होगा. वो कितना एटीपी होगा वो हम इंशाल्लाह वन बाय वन डिस्कस करेंगे. एग्जाम में ये आएगा कि ग्लाइकोलिसिस कितना एटीपी देगी, क्रेब्स साइकिल कितना एटीपी देगी और एक्रान ट्रांसपोर्ट चेन कितना एटीपी देगी. अलग अलग क्वेश्चन भी आता है और पूरा एक एटीपी कितना देगी वो अलग क्वेश्चन आता है. अब देखें इसमें ट्रिक ये होता है कि अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है तो ये कितने कार्बन का है, सिक्स. इसको हम जब तोड़ेंगे तो इससे बनेगा पाइरूविक एसिड. पाइरूविक एसिड कितने कार्बन, थ्री. लेकिन ये कितने था और ये थ्री है, तो ये कैसे सिक्स बनेगा अगर इसके कितने मॉलिक्यूल बने. तो हम कहते हैं कि वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल विल ब्रेक डाउन, दैट विल गिव राइज टू टू मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूविक एसिड व्हिच इज नोन एज अ ग्लाइकोलिसिस. अब ये पाइरूविक एसिड जब ग्लूकोज से बनेंगे ये दोनों जाकर किसका हिस्सा बनेंगे, क्रेब्स साइकिल. तो क्रेब्स साइकिल में एक पाइरूविक एसिड जाएगा कि दोनों, दोनों. तो एग्जामिनर ये कहेगा कि एक पाइरूविक एसिड से क्रेब्स साइकिल में कितना एटीपी आएगा और दोनों से कितना आएगा. इसमें ये ट्रिक आ जाता है, क्लियर है कि नहीं. तो 36-38 का बोलना आसान है लेकिन इसके अंदर की जो बीच वाले क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो नेक्स्ट लेक्चर में सबको बताता चलूँ. आज तो कुछ लोग हैं जरूर चले गए, लेकिन ग्लाइकोलिसिस जिसने सीख लिया ग्लाइकोलिसिस उसको क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आएगा. क्योंकि तीनों के तीनों इंटरलिंक है, एक दूसरे के साथ हो इंटरलिंक और इन तीनों पे एक एक घंटे का लेक्चर है. तो आप लोगों से दरहास ये है, अपील ये है कि आप लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर टाइमली आया करें ताकि आप लोग इन तीनों का कंसेप्ट पता चल जाए. ऐसा ना हो कि कल को कोई है वो ग्लाइकोलिसिस ना पढ़े, परसों फिर इधर बैठा हो, वो इसमें बैठा हो, फिर कभी उधर देख रहा हो, कभी उधर देख रहा हो, उसको नहीं पता होगा. एंड वी कांट डू, यार एक बंदा आज नहीं है तो परसों वो आएगा तो उसके लिए हमने प्रीवियस फिर पढ़ना है. फिर इसके दो नुकसान हैं. जो बंदा फिर कल के क्लास में था उसका मतलब यह है कि उसका इम्पोर्टेंस ही नहीं था. फिर दूसरा इसका नुकसान यह है कि प्रीवियस एक घंटे का लेक्चर जब हम दोबारा पढ़ेंगे उस दिन का लेक्चर ज़ाया हो जाता है. तो आप लोगों का मतलब यह है कि जितने भी रिएक्शन हम आगे पढ़ेंगे उसके लिए आप लोगों को टाइम दिलाना जरूरी है. फिर आखिर में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे विच इज कॉल्ड लाइपोप्रोटीन कंसेप्ट. इसको क्या कहते हैं, लाइपोप्रोटीन. लाइपोप्रोटीन के अंदर हम फिर डिस्कस करेंगे कि VLDL क्या है, नाम सुने कि नहीं, LDL क्या है, HDL क्या है, ठीक है, और IDL क्या है, इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन. इन सब के हम और एक इसमें आता है काइलोमाइक्रोन. क्या आता है, काइलोमाइक्रोन. ये नाम भी सुना होगा, काइलोमाइक्रोन क्या है. तो इन सब के कंसेप्ट को हम लाइपोप्रोटीन कहते हैं. फिर इसके डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे. तो बायोकेम इतना डिफिकल्ट नहीं है, इसको समझना है बस, ठीक है. आप लोग समझेंगे तो एट द एंड इट विल बी वेरी, ठीक है, ओके. लव जुम्मे का दिन है, नमाज पढ़े और दुआओं में याद रखें, ठीक है. अल्लाह ताला आप सब लोग कामयाब करे. क्लिनिकल वाले बैठे हैं. क्लिनिकल वाले बैठे हैं.